हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इस टॉपिक में सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन को अगर मैं सिंपल डिफाइन करूं तो जैसे मेरे पास ये डीएनए है और इसे मैं अगर जीन बोल रहा हूं, तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब है इस जीन से अब फाइनल प्रोडक्ट बनना। अब यहाँ फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आरएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। जैसे अगर मैं देखूँ, कुछ जीन ऐसी होती हैं जो आरआरएनए बनाती हैं और कुछ जीन ऐसी हैं जो टीआरएनए बनाती हैं। तो हमारे पास कुछ जीन है जो एमआरएनए बनाती हैं, जिसके थ्रू फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास प्रोटीन है। ओके, तो रेगुलेशन का मतलब है जीन एक्सप्रेशन का मतलब है किसी भी जीन से उसका फाइनल प्रोडक्ट बनना, विच कैन बी अ प्रोटीन, आरएनए, आरआरएनए और बेसिकली टीआरएनए। अब हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन क्या है, रेगुलेशन क्यों नीड है, इसको जरा ऐसे समझते हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि अगर मैं अपना एक स्किन सेल लूं, मींस मेरे पास ये एक स्किन सेल है और मेरे पास ये एक मान लो लिवर सेल है। ओके, मैं अगर देखूं इस स्किन सेल और लिवर सेल में एग्जैक्टली सेम डीएनए है, मींस ये जेनेटिकली आइडेंटिकल है, इन दोनों में बिल्कुल सेम जीन्स हैं, लेकिन ये दोनों सेल आपस में डिफरेंट हैं। डिफरेंट कैसे हैं ये सेल्स, ये हमें देखना है। जैसे कि हो ये रहा है कि मान लो स्किन सेल में कोई 3000 टाइप की प्रोटीन्स बनी हैं, जो इस लिवर सेल में बनने वाली 2500 प्रोटीन से डिफरेंट हैं। ओके, तो हो सकता है कि दोनों में कुछ कॉमन प्रोटीन्स बनती हों। जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूं कि ग्लाइकोलिसिस कराने के लिए एंजाइम की प्रोटीन दोनों में बन रही होंगी, लेकिन कुछ ऐसी प्रोटीन्स होंगी जो डिफरेंट होंगी, जिसकी वजह से ये सेल डिफरेंट है। तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास सेल्स में नीड है कि मैं कुछ प्रोटीन्स बनाऊं और कुछ प्रोटीन्स ना बनाऊं, जिसके बेसिस पे ये सेल अलग होते हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशल कंडीशंस में मुझे सेल को कंट्रोल करना पड़ता है। तो हम यहां पर ये समझेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। रेगुलेशन का मतलब है कि आप बेसिकली क्या कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कि आप ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि किसी भी सेल के अंदर, जैसे मेरे पास ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये डीएनए है, आप ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि इस डीएनए से जो आरएनए बना और वो बाहर जाके जब प्रोटीन बनाएगा, तो उस प्रोटीन की बेसिकली आप टाइमिंग कंट्रोल करना चाह रहे हैं। टाइमिंग का मतलब है कि वो प्रोटीन आपकी कब बने, मतलब कब नीड है उसकी। उसके अलावा आप उसका क्या कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अमाउंट, क्योंकि सारी प्रोटीन हमेशा इक्वल अमाउंट में नहीं चाहिए या सारे प्रोडक्ट हमेशा इक्वल अमाउंट में नहीं चाहिए। तो आप टाइमिंग और अमाउंट कंट्रोल करने को कह रहे हैं हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब हम ये समझेंगे कि ये जो रेगुलेशन है ये बेसिकली सेल्स में किस तरह की नीड पर बेस है, मतलब कौन सी ऐसी नीड्स हैं जो इस रेगुलेशन को डिसाइड करती हैं कि कैसे क्यों कर रहे हैं, हम किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो जब हम इस पे बात करते हैं, इन नीड्स पे हम बात करते हैं कि कौन सी नीड्स है, तो एनसीईआरटी बेसिकली चार नीड पे बात करती है। और जो फर्स्ट नीड है वो बेसिकली मेटाबॉलिक नीड है। अब मेटाबॉलिक नीड का मतलब ये हुआ कि सेल को किसी चीज को यूज करने के लिए या सिंथेसिस करने के लिए किसी एंजाइम की नीड है। तो सेल को किसी एंजाइम की नीड है ताकि वो क्या कर सके, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को ब्रेक कर सके। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ई कोलाई के सेल में एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नाउ दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज बेसिकली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ता है लैक्टोज में। अब लैक्टोज जो है वो दो शुगर का बना है, उस शुगर में एक है हमारे पास ग्लूकोज और दूसरा है मेरे पास गैलेक्टोज। तो इसका जो बीटा लिंकेज होता है गैलेक्टोसाइडेज, वो उस लिंकेज को तोड़ता है, इसलिए इसका नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। अब आप ये समझें, आपके पास ये बीकर या ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें ई कोलाई का सेल है, अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं हो तो सेल को नीड नहीं है, मेटाबॉलिक नीड नहीं है इस एंजाइम की सिंथेसाइज करने की। तो पहला ये रीजन है जिसके थ्रू सेल बेसिकली क्या करता है, किसी पर्टिकुलर एंजाइम की सिंथेसिस करता है। अब जरा दूसरा देखते हैं कि कौन सी और ऐसी नीड है जिसपे किसी भी सेल को कंट्रोल करने की जरूरत है। दैट सेकेंड इज बेसिकली हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड। अब आप ये देखें कि फिजियोलॉजिकल नीड में, जैसे मान लो हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है, तो उसमें हमारे पास इंसुलिन की रिक्वायरमेंट
इंसुलिन की सिंथेसिस हो रही है जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर रहा है। तो उस तरह की नीड को जिसमें पर्टिकुलर बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उसको नीड को फुलफिल करने के लिए कुछ प्रोटीन्स बन रही हैं, उस तरह की नीड को हम कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। और ये नीड हमेशा एक जैसी नहीं होती, चेंज होती रहती है, इसलिए हो सकता है कि वो प्रोटीन अभी चाहिए हो बाद में रिक्वायर ना हो। थर्ड विच वी कैन डिस्कस हेयर इज आफ्टर फिजियोलॉजिकल नीड हमारे पास होता है एनवायरमेंटल चेंजेस या एनवायरमेंटल नीड। मींस एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, उसमें अडेप्ट करने के लिए या वो कंट्रोल करता है कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं लाइट की ड्यूरेशन, जिसे मैं फोटो पीरियड कहता हूं, लाइट की ड्यूरेशन वेरी करती है, उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स में कुछ प्रोटीन्स बनती हैं जिसके थ्रू फ्लावरिंग कंट्रोल हो सकती है। तो हम ये कह रहे हैं बेसिकली कि एनवायरमेंट भी है जो कंट्रोल करता है कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन का अमाउंट और बेसिकली टाइमिंग। अगर हम फोर्थ देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, जो एक तरीके से रिसर्च का टॉपिक भी है, उसमें कैसे जीन्स हैं जो काम करती हैं। जैसे कि हम ये कहेंगे कि मेरे पास ये जाइगोट है, जाइगोट से मोरूला जब बनता है तो उस स्टेज में जीन्स लगभग सभी एक्टिव हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टेज आगे जाती है और मेरे पास गैस्ट्रुलेशन होती है, उसमें जो लेयर्स बनती हैं वो लेयर्स का हर एक लेयर का रोल अलग है, जैसे एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म अलग अलग ऑर्गन्स के लिए मतलब बेसिकली वो जा रहा होता है। तो हमें ये समझ आया कि वही सेल्स अब अलग अलग ऑर्गन्स बनाएंगे, इसका मतलब हमने कुछ जीन्स को ऑफ करा है और कुछ जीन्स को ऑन करा है। इसका मतलब हमने क्या करा है, कुछ प्रोटीन्स बना रहे हैं और कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट के लिए ये जीन्स का रोल होता है कि उसी को कैसे डेवलप करना है और किस टाइमिंग पे। जैसे हम एक चीज और समझ सकते हैं कि एक एज के बाद जैसे ह्यूमन में प्यूबर्टी आ रही है तो कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स उस एज में बन रही हैं, उससे पहले उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस नहीं हो रही है। तो ये सारा बेसिस है जिसके बेस पे हम जीन्स को कंट्रोल करते हैं, नीड है जिनके बेस पे हम जीन को कंट्रोल करते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमने बात तो कर ली हम इन बेसिस पे कंट्रोल करते हैं, लेकिन कंट्रोल करते कैसे, हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन करते कैसे हैं। तो सबसे पहले जरा हम ये समझें कि अगर हम जीन रेगुलेशन को बेसिकली समझ पा रहे हैं और रिलेट कर रहे हैं प्रोटीन से, तो हमारा मेन पर्पस है डीएनए से प्रोटीन के लेवल के बीच में कंट्रोल करना। मींस अगर मैं देखूं डीएनए से प्रोटीन अगर सिंगल लेवल पे होगा तो मैं कंट्रोल यहीं पे करूंगा, लेकिन हम ये देख रहे होते हैं कि डीएनए से प्रोटीन बनने पे अगर मैं कहीं भी कंट्रोल कर लूंगा तो मैं एक तरीके से जीन को एक्सप्रेस नहीं होने दूंगा, रोक दूंगा। तो अगर हम बात करें यहां पर दो तरह के सेल्स की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में काफी सारे लेवल होते हैं डीएनए से प्रोटीन बनने के बीच में। उसमें वो लेवल्स कौन से हैं उनको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, तो सबसे पहले डीएनए से हमारे पास जो बनता है वो एचएनआरएनए बनता है। ओके, तो सबसे पहला लेवल कंट्रोल का ये है जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ओके, तो सबसे पहला लेवल है ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ओके, कि अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन ना होने दूं तो प्रोटीन नहीं बनेगी और मैं उस प्रोटीन को कंट्रोल कर पाऊंगा। सेकेंड लेवल है इस एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाना, जिसमें बेसिकली मैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करता हूं, जिसे मैं पीटीएम लिख रहा हूं, और उसमें भी मेनली हम स्प्लाइसिंग को कंट्रोल करते हैं। ओके, थर्ड जो कंट्रोल है हमारे पास दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए किसके अंदर, साइटोप्लास्ट के अंदर। तो थर्ड लेवल ऑफ कंट्रोल इन यूकैरियोट्स ट्रांसपोर्ट, तो यहां पर अगर मैंने कंट्रोल कर लिया तो प्रोटीन नहीं बनेगी। ओके, एंड फोर्थ लेवल इज बेसिकली ट्रांसलेशन। तो इन चारों में से अगर मैं किसी भी लेवल पे कंट्रोल कर सकूं तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। अब हमें ये देखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उन प्रोकैरियोटिक सेल में मेरे पास न्यूक्लियस नहीं होता,
ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड होती है तो हम ये देखेंगे कि हम मेन कंट्रोल बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे और यूकेरियोट्स में हम किसी भी लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली प्रोकैरियोट के कंट्रोल के थ्रू समझाया गया है कि कैसे हम जीन्स को कंट्रोल करते हैं। तो हम जरा देखते हैं प्रोकैरियोट्स में कंट्रोल कहाँ है। तो प्रोकैरियोट्स में मेनली कंट्रोल दो लेवल पर पॉसिबल है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन लेवल पे, क्योंकि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन और बेसिकली हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट्स में कंट्रोल जो है वो दो लेवल पर है, फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकंड इज बेसिकली ट्रांसलेशन। अब हमारी एनसीईआरटी ये कहती है कि प्रोकैरियोट्स में मेरे पास जब मैं एक स्ट्रक्चरल जीन बनाता हूं, जैसे मैंने ये एक स्ट्रक्चरल जीन बनाई है जिसमें इस रीजन को प्रमोटर और इसे मैं टर्मिनेटर कह रहा हूं, बेसिकली मैंने ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाई है और बीच में मैंने स्ट्रक्चरल जीन बनाया है, तो हम ये कह रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में हमारे पास एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। तो कंट्रोल जो है वो बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू इनिशिएशन स्टेप पे है। ओके, तो इनिशिएशन स्टेप अगर नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी और बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकैरियोट्स में नहीं होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में मेन कंट्रोल इनिशिएशन स्टेप पर होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, और उसमें भी हमें ये समझना है कि प्रोकैरियोट्स में मेरे पास प्रमोटर के विदिन या प्रमोटर के पास एक रीजन होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसे हम कहते हैं ऑपरेटर, जहां पर कुछ प्रोटीन्स बाइंड करके इस प्रमोटर को, प्रमोटर पर इस आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को कंट्रोल करता है। मींस आरएनए पॉलीमरेज इस पर बाइंड कर सकता है कि नहीं प्रमोटर पर, इसकी बाइंडिंग कुछ प्रोटीन्स के थ्रू कंट्रोल की जाती है। तो ये हमने समझना है कि हम मेनली कंट्रोल इनिशिएशन स्टेप पे करते हैं इस रीजन को, इन सीक्वेंसेस को। कई बार क्या होता है, कुछ सीक्वेंस होते हैं जो इनिशिएशन स्टेप को इफेक्ट करते हैं, वहां पर अगर कुछ प्रोटीन्स बाइंड कर जाती हैं तो उन प्रोटीन्स को जो बेसिकली डिक्रीज करती है ट्रांसक्रिप्शन या इनिशिएशन को, उन्हें हम कह देते हैं रिप्रेसर। ओके, और कुछ ऐसी हो सकती हैं जो बढ़ा सकती हैं उस प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन को और फास्ट कर सकती हैं, उन्हें हम कह सकते हैं इंड्यूसर। तो कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो बेसिकली इसकी बाइंडिंग कंट्रोल करेंगी प्रमोटर पर, और कुछ सीक्वेंस होते हैं डीएनए के क्लोज टू प्रमोटर और विद इन प्रमोटर, जिन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं, जिस पर बाइंडिंग कुछ प्रोटीन्स की कंट्रोल कर सकती है ट्रांसक्रिप्शन को। तो ये एक जनरल कंट्रोल बताया हमने कि कैसे करते हैं। अब हमने ये देखना है कि यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में किस टाइप की जीन्स होती हैं, कैसे उन्हें कंट्रोल किया जाता है। अगर मैं कंट्रोल की बात करूंगा तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल की बात करूंगा, पर सबसे पहले मैं जरा कुछ टाइप ऑफ जीन्स पे बात करना चाह रहा हूं जिसके थ्रू मैं बता सकूंगा कैसे, कौन सी जीन्स को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर हम एक नॉर्मल सेल की बात करें, एक नॉर्मल सेल में जो डीएनए प्रेजेंट है, मैं अगर उसकी बात कर लूं तो ये जो डीएनए नॉर्मल सेल है इसमें एक जीन होगी जो बेसिकली टीआरएनए बनाती होगी, एक जीन होगी जो आरआरएनए बनाती होगी। इन जीन्स को कंट्रोल करने की नीड नहीं होती बिकॉज टीआरएनए और आरआरएनए मुझे हमेशा चाहिए। या एक जीन होगी जो बेसिकली हेक्सोकाइनेज एंजाइम बनाती होगी जो कि ग्लाइकोलिसिस के लिए चाहिए, और हर एक सेल में ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है। तो कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जिनके प्रोडक्ट को कंट्रोल नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का मतलब है इनको कंट्रोल नहीं किया जाता, दे ऑलवेज एक्सप्रेस। इनका एक और नाम है हाउस कीपिंग जीन्स, क्योंकि इनका एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें कंट्रोल ही नहीं करते। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होती हैं जिनको जनरली कंट्रोल नहीं किया जाता। तो अगर मैं टाइप ऑफ जीन की बात करूं तो टाइप ऑफ जीन में मेरे पास एक जीन है जो हमेशा एक्सप्रेस करती है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ओके, सेकेंड जीन,
सेकंड जीन जिसे हम कंट्रोल करते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, जिन्हें हम कंट्रोल करते हैं मींस इससे बनने वाली जो प्रोटीन है उसको हम कंट्रोल करते हैं, ओके उसे हम कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। अब हम ये देखेंगे कि नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन जो हैं जिन्हें हम कंट्रोल करते हैं उसमें कंट्रोल कैसा है, मींस कंट्रोल कैसे काम कर रहा है। उसके लिए मुझे जीन को फिर से डिवाइड करना पड़ेगा दो पार्ट में, एक मैं बोलूंगा रेगुलेटर जीन और एक मैं बोलूंगा स्ट्रक्चरल जीन। तो इसके लिए फिर से आप समझे जरा कि हमारे पास कुछ जीन्स ऐसी हैं जिन्हें कंट्रोल नहीं करते, जो हमेशा एक्सप्रेस करती है, जिन्हें जरूरत भी नहीं है क्योंकि सेल उसके बिना सर्वाइव नहीं करेगा, और कुछ जीन्स जिसके लिए आपको अलग टाइम पे चाहिए या अलग प्रोडक्ट का अमाउंट चाहिए, वहां हमें कंट्रोल करना पड़ता है। अब अगर हम आगे जाएं जिसमें हम जो कहेंगे फिर टाइप ऑफ जीन की बात करेंगे, तो मैं अभी डिवाइड करूंगा जीन को दो टाइप में। सबसे पहले मैं कहूंगा इसमें एक जीन जिसे मैं कहूंगा रेगुलेटर जीन और एक मैं डिवाइड करूंगा स्ट्रक्चरल जीन में। ओके, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है ये कुछ ऐसा प्रोटीन बनाएगी और एंजाइम बनाएगी जिसके जिसका कोई अपना एक प्रोसेस कंट्रोल होगा। तो मैं एक डीएनए ड्रॉ कर रहा हूं, इस डीएनए पर मैंने ये एक स्ट्रक्चरल जीन बनाई है। इस स्ट्रक्चरल जीन का अपना प्रमोटर और टर्मिनेटर है, ओके ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। यहां पर मैंने एक रेगुलेटर जीन बनाई है, इसका भी अपना प्रमोटर और टर्मिनेटर है, ओके तो हमने ये समझना है कि व्हाट स्ट्रक्चरल जीन डू, इट प्रोड्यूस एंजाइम विच कंट्रोल सम प्रोसेस, ओके और इट कन्वर्ट सम सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, कुछ प्रोसेस कंट्रोल करेगा। नाउ व्हाट स्ट्रक्चरल जीन डू, ये एक